स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट हेल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक ने आज अपर सर्किट लगाया है और 91 पैसे करंटली स्टॉक का प्राइस चल रहा है। तो क्या आपको अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ से या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस स्टॉक की। एएसएम लिस्ट में यह स्टॉक चल रहा है पहले स्टेज में। तो ये स्टॉक करेंटली इस स्टॉक का अगर आप 52 वीक हाई की बात करोगे तो 92 पैसा इस स्टॉक का हाई, यानी ये स्टॉक अभी करेंटली हाई पे चल रहा है। और 52 वीक के लो देखेंगे हम तो 50 पैसे का, ऑलमोस्ट 49 पैसे का यहाँ पे इस स्टॉक का लो है। यहाँ पर ग्रुप की बात करें तो ये स्टॉक एक्स ग्रुप का है और T+2 डेज सेटलमेंट में लगते हैं, यानी कि अगर आप स्टॉक को खरीदोगे तो 2 दिनों बाद उस स्टॉक को आप शेयर्स को सेल कर पाओगे। बात करते हैं फेस वैल्यू की, 1 रुपया इसका फेस वैल्यू है। बाकी आपको आइए हम फंडामेंटल बताते हैं इस स्टॉक का। इस स्टॉक का फंडामेंटल देखेंगे, मार्केट कैप इसका अगर हम देखें तो ये कंपनी माइक्रो कैप है। माइक्रो कैप यानी बहुत छोटी कंपनी। यहाँ पर बुक वैल्यू 1 रुपए 3 पैसे बुक वैल्यू है। और एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बुक वैल्यू से कम इसका करंट प्राइस है। फेस वैल्यू 1 रुपए है। और एक और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि प्लेज्ड परसेंटेज 0% है। प्रमोटर होल्डिंग 6% है, यहाँ थोड़ा सा होल्डिंग प्रमोटर की कम है। डेप्थ कंपनी के ऊपर 29 लाख का है, जो कि एसेट अगर हम देखें तो 104 करोड़ का यहाँ पे एसेट है कंपनी के पास। रेवेन्यू 3 करोड़ का कंपनी के पास है। और कंपनी का बिजनेस अगर हम यहाँ पे चेक करें तो मीडिया सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी ने बहुत सारी एल्बम्स मूवीज बनाई हैं। आप अगर इनकी वेबसाइट ये यहाँ पे दी हुई है shalimarpro.com, इस वेबसाइट पे विजिट करके आप इनकी जो एल्बम है, शॉर्ट फिल्म है, मूवीज हैं, आप इन्हें इन इनको देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ सॉरी बात करते हैं इसकी कुछ अच्छाई, इस स्टॉक में क्या कुछ अच्छा है। थोड़ा कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी अपने डेब्ट को लगातार घटाती जा रही है और ये बहुत जल्द डेब्ट फ्री भी हो जाएगी। और दूसरी बात, कंपनी 0.88 टाइम्स बुक वैल्यू के हिसाब से, मतलब बुक वैल्यू का 0.88 टाइम्स चल रही है स्टॉक का प्राइस, तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर इस बार दिसंबर मंथ में कंपनी ने 30 लाख का प्रॉफिट लिया है। और पिछले क्वार्टर से आप अगर कंपेयर करोगे, पिछले क्वार्टर में 6 लाख का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को और इस बार 30 लाख का प्रॉफिट हुआ है। इतना प्रॉफिट कंपनी को पिछले 2 साल में मिला ही नहीं है। मार्च 2019 से अगर आप कंपैरिजन करोगे, कंपनी ने इतना प्रॉफिट कभी भी नहीं जनरेट किया। एक बार 28 लाख का किया था दिसंबर 2020 में, लेकिन उसके बाद दिसंबर 2021 में कंपनी ने उससे भी अच्छा प्रॉफिट इस बार जनरेट किया। तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट अपना बढ़ाती जा रही है। पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी प्रॉफिट पे है और यहाँ पे सेल्स भी कंपनी की बढ़ी है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक रीजन हो सकता है कंपनी के स्टॉक में अपर सर्किट लगने का। तो यहाँ पे आइए बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम रखी है, 6% मात्र प्रमोटर के पास होल्डिंग है और 93.97% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो आइए इसके हम आरएसआई इंडेक्स की बात करते हैं। इस स्टॉक का आरएसआई इंडेक्स अगर हम चेक करें, यहाँ पे 89.19 इस स्टॉक का आरएसआई इंडेक्स है, यानी कि ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। 89.19 ओवरबॉट है, यानी कि इस स्टॉक में यहाँ से आप सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। तो अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप सपोज कीजिए आपने यहाँ पे 10,000 रुपये लगाए थे और 10,000 से आपके 20,000 रुपये यहाँ पे हो चुके हैं, तो फिर आपके प्रॉफिट 10,000 रुपये हो रहे हैं। तो आपने जो भी कैपिटल लगाया था, 10,000 का कैपिटल लगाया था, आप उसको आप सेव कर सकते हो। ये यहाँ पे आप स्ट्रेटजी लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो डिसीजन होगा वो आपका ही होना चाहिए यहाँ पर। तो 10,000 अगर आप कैपिटल यहाँ पे निकालोगे तो फिर आपका प्रॉफिट 10,000 का रहेगा और उससे ये स्टॉक में आप कंटिन्यू रह सकते हो। ये इसको रिकमेंडेशन की तरह आप मत लीजिएगा, ये जस्ट मेरा एक स्ट्रेटजी है।
तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और